गाइस वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे आरआरबी जेई लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट आई है गाइस। फॉर्म आपको अगर मॉडिफाई करना है अपना जो लास्ट में आपको जो जो भी आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मॉडिफिकेशन की डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ चुकी है गाइस। सो गाइस अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना गाइस। तो चलिए चल आपको ले चलता हूँ मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस की तरफ से। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, देख सकते हो आप क्लिक हियर जो नोटिस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या नोटिस है। यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, ऐसे डाउनलोड कीजिएगा और इस तरह से आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है और इस तरह से नोटिस कुछ आपके सामने आ जाएगा गाइज। ओके गाइज तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि नोटिस आ चुका है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंटेंट टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द चूज ऑफ द एग्जाम लैंग्वेज टू कैंडिडेट। सो गाइज अगर उस टाइम आपने यहाँ पर एग्जाम लैंग्वेज अगर कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हो अपना जो भी लैंग्वेज चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा आपका जो यहाँ पर लैंग्वेज है वो आपको अगर तमिल जो भी आपके यहाँ पर लैंग्वेज आप जाकर वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइज और गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो अगर आपका लैंग्वेज सही है ड्यूरिंग सबमिशन आपने अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया है सही लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर आपका अपना लैंग्वेज चेंज करने का, ठीक है। जरूरत नहीं है लैंग्वेज चेंज करने का, जो लैंग्वेज वही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्टिव यहाँ पर जो लिंक जो एक्टिव होगा वो 10 बजे से लेकर यहाँ पर 23 बजे तक रहेगा। आप देख सकते हो 24 से लेकर 1 तक ये जो लिंक यहाँ पर मॉडिफिकेशन का जो डेट दिया गया 24 से लेकर 21 तक दिया गया है। ओके गाइस 24 से लेकर 1 तक दिया गया है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो CBT1 एग्जाम के लिए यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने भी अपना लैंग्वेज गलत सेलेक्ट कर लिया एग्जाम में जाकर सबमिशन के टाइम वहाँ पर जाकर मॉडिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। सो गाइस जिनका भी लैंग्वेज यहाँ पर गलत सेलेक्ट हो गया है वो जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। और गाइस नोटिफिकेशन में और यहाँ पर नोटिस में देख सकते हो और भी सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। कैंडिडेट कैन व्यू दियर द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश and the language of obtained. In case of any difference, the question between the English and the obtained language, the content of the English version shall be prevail. So guys, अगर आपने यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया जैसे हिंदी सेलेक्ट किया या इंग्लिश सेलेक्ट किया हो, सो गाइस अगर हिंदी में क्वेश्चन अलग आ गया और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है थोड़ा, सो गाइस उस केस में क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन होगा वही डाटा कंसीडर किया जाएगा, एज एग्जामिनर वही डाटा कंसीडर करेगा जो कि इंग्लिश में होगा। आपको जो लैंग्वेज होगा और उसमें कुछ अलग है और इंग्लिश में कुछ अलग है तो आप अपना लैंग्वेज के आप अपने लैंग्वेज के थ्रू मत जाइएगा। जो यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है लैंग्वेज जो डाटा इंग्लिश में अवेलेबल वही डाटा आप फॉलो कीजिए तभी आपका आंसर सही होगा, वरना आंसर आपका गलत कर दिया जाएगा। ओके गाइस सो ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिंक के पास लेके चलता हूँ जो कि यहाँ पर लिंक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गाइस। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक ऑफिशियल लिंक के पास मैं आ चुका हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ देख सकते हो क्लिक हेयर टू लॉग इन और चेंज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज, इस तरह से आपके कंप्यूटर पर खुल जाएगा। जब वहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर देख सकते हो यू कैन मॉडिफाई कन्फर्म लैंग्वेज ऐसे ऐसे यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से आपका जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो भी जोन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं चेन्नई आपको सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर चेन्नई पर जाऊँगा तो इस तरह से यहाँ पे खुल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है और कैप्चा एंटर करके लॉगिन करके अपना लैंग्वेज चेंज कर लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लैंग्वेज चेंज करने में, इजीली आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बिकॉज मैं आरआरबी जेई से इसी तरह से अपडेट लाते रहूँगा बहुत सारा और आपको यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे आरआरबी से रिलेटेड। ओके गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मार्ट जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स। बाय बाय।